के बैनर और जो एमपी है नगीना से चंद्रशेखर आजाद एक साथ लगे हैं, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में टीम में जाने वाले हैं। उसको लगता है कि धरने पे बैठने की क्या जरूरत है, चेतावनी दीजिए कि अगर गेट बंद कर दिया गया तो गेट गिरा दिया जाएगा। स्थानीय विधायक हैं आप, इसमें क्या दिक्कत? कार को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं वहाँ अमरण अनशन पर बैठूंगा, या तो न्याय मिलेगा या फिर मेरी लाश वहाँ से उठेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त खानपुर विधायक उमेश शर्मा जी के कार्यालय पर मौजूद हूं। 5 तारीख को जो धरना होने जा रहा है उसको लेकर सर क्या कहेंगे, क्योंकि 5 तारीख का जो धरना है उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई इंसाफ वहाँ पर लेकर ही रहेंगे, क्योंकि आपने भी कहा था कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम वहाँ से नहीं उठेंगे, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात हमने उस दिन भी कही थी इंसाफ की, कि हमें इंसाफ चाहिए जी। हम 5 तारीख को धरना भी देंगे और ज्ञापन भी देकर आएंगे और एक समय सीमा भी देंगे कि आप हमें इतने समय के अंदर कार्रवाई करके बताएं। कार को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर मैं वहाँ अमरण अनशन पर बैठूंगा, या तो न्याय मिलेगा या फिर मेरी लाश वहाँ से। उतार को तय करना होगा कि क्या करना है। एक दलित बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी जाती है, दोषी फरार घूमते रहते हैं, छोटे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है। एक वसीम उर्फ मोनू की हत्या हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि हत्या आपने की है, हम कहते हैं हत्या कैसे हुई इसकी जांच होनी चाहिए। हमने किसी को दोषी नहीं ठहराया। तो उन्होंने बता तो दिया सर कि हत्या डूबने से हुई है। ये डूबने से तो चोटें कैसे लगी, आंख पे कैसे चोट लगी? एक आदमी जो सोलानी नदी में या गंगा नदी में कूद कर नहा आर पार जा सकता है, जो तैरना जानता है, वो कैसे डूब गया? और आंखों, उसकी शर्ट कहाँ चलेगी, उसकी चेहरे पर इतनी गंभीर चोटें कैसे आ गई? तो जांच करने में दिक्कत क्या है? आप जांच करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप SIT जांच के गठन से पीछे क्यों हट रहे हैं? SIT जांच कराइए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस के 21 विधायकों को भी इस बात को सोचना होगा, अपने गिरबान में झांकना होगा कि जब आप मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे तो आप वहां से बिना कार्रवाई का आश्वासन लिए उठे कैसे? हरीश रावत तो घर भी गए थे, आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होनी चाहिए और जाँच होनी चाहिए। अब हरीश रावत जी का आपने नाम ले दिया तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हरीश रावत जी घड़ियाली आंसू बहाने वाले आदमी हैं। आप जलेबी बनाएंगे तो वीडियो डालेंगे जी। आप कोदा झंगोरा खाएंगे तो वीडियो डालेंगे, आप गेटी खाएंगे तो वीडियो डालेंगे, आप ग्रीन टी पिएंगे तो वीडियो डालेंगे। आपने अपने बेटे के लिए एक बड़ा मार्मिक वीडियो जारी किया, जो वीडियो बड़ा चर्चा में रहा कि मैं अपने बेटे का ध्वजवाहक हूँ, मेरा अंतिम चुनाव है, आँखों में आंसू। ये आंसू आपके दलित बेटी के लिए क्यों नहीं आए? ये आंसू आपके वसीम के लिए क्यों नहीं आए? आपका एक वीडियो उनके लिए क्यों नहीं आया? ये ढोंग करना छोड़ दीजिए। हरिद्वार की जनता, सही में दिक्कत उनके साथ नहीं है, दिक्कत जनता के साथ है। ये लोग उन्हें पहचानने को तैयार नहीं है। वो आते हैं हर 5 साल में, ठग के चले जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए, चुनाव बीत चुका है, बाप बेटे कहीं आपको दिख रहे हैं? किसी का काम हो रहा है, किसी के क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं? अगर ये जांच नहीं होती, इंसाफ नहीं मिलता तो उमेश कुमार का अगला। मैंने बताया ना, अमरण अनशन पर बैठूंगा, वहाँ से लाश उठेगी या न्याय होगा। एक चर्चा का और विषय है, और जो MP है नगीना से चंद्रशेखर आजाद एक साथ लगे हैं, उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में टीम में जाने वाले हैं। उसको किसी टीम में नहीं जा रहा, ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ। मेरे मित्र हैं और एक सामाजिक मुद्दे पर जहाँ न्याय की आवश्यकता है वहाँ उन्होंने कदम उठाया, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और उनसे मेरी मित्रता आज से नहीं है, मेरी उनकी मित्रता लगभग 8-9 साल होने वाले हैं, हम तब से संपर्क में हैं और सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने और अपने समाज की बेटी और वसीम के लिए लड़ने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कंधे से कंधा मिलाकर अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हों, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जब भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहीं भी देश भर में ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और इस राज्य में वो हमारे साथ खड़े हैं।
एक प्रकरण और चल रहा है सर आईआईटी को लेकर, जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा उन्होंने भी धरना दिया है। सत्ताधारी विधायक को अगर धरना दे रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आईआईटी में जो महिलाएं हैं बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें जाने से मना कर दिया है, पास नहीं बन रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि जो संस्थान है वो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं अपने, उसको लेकर? सर भाई रूल्स रेगुलेशंस हैं तो ये पहले से क्यों नहीं थे जी? आज बनी है आईआईटी को बने हुए ज़माना हो गया। लोग शहर के वहाँ जाते हैं सुबह घूमने के लिए, वॉक के लिए, रिटायर्ड लोग भी और भी अन्य लोग, तो मुझे और आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसके कारण आपको गेट बंद करने पड़े। ना है कि धरने पे बैठने की क्या ज़रूरत है, चेतावनी दीजिए कि अगर गेट बंद कर दिया गया तो गेट गिरा दिया जाएगा। स्थानीय विधायक हैं आप, इसमें क्या दिक्कत की बात है? इसके लिए भी धरने पर बैठने की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि भाई प्रदीप बत्रा जी को इस पर धरने बैठने की आवश्यकता, और उनको मेरी जरूरत है तो मुझे बुलाएं, मैं गेट तोड़ दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, पार्टी का गठन कब कर रहे हो उमेश कुमार? ये जनता जानना चाहती है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अगर आप गठन कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं नगीना धामपुर के जो विधायक हैं वो एमपी हैं उनसे, तो क्या गठजोड़ में चुनाव लड़ा जाएगा सर? देखिए मैंने क्या कहा, चंद्रशेखर आजाद जी मेरे दोस्त हैं जी, मेरे बड़े भाई हैं। आने वाली राजनीति और आने वाला भविष्य, उसके गर्त में क्या छिपा है ये तो समय तय करेगा। अगर आवश्यकता पड़ी और हमारे सभी लोग सहमत हुए, उनके सभी लोग सहमत हुए, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। लगातार आप लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, क्या क्या समस्या सर ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आप आकर लोग रोने भी लगते हैं? कोर्ट कचहरी थाना, औरतें सताई हुई पतियों से, पति सताए हुए औरतों से, किसी की ज़मीन पे कब्जा है, किसी का कोर्ट में, किसी का बैंक, और सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को 16% 24% पे ब्याज देकर ठग रहे हैं, आत्महत्या के कागार पर लोग आ गए हैं। ये प्रकरण से निमट जाएं, उसके बाद ये जो प्राइवेट संस्थान है इनके खिलाफ़ भी मोर्चा खोला जाएगा, और ये जिस तरीके से तानाशाही करके लोगों के साथ अन्याय करते हैं इस पर भी रोक लगाई जाएगी। जल्दी पार्टी का गठन हो जाएगा सर चुनाव? क्यों चिंता कर रहे हो, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। रुड़की हब के साथ हमारा पुराना नाता है और पहले से है, आपको सूचना जरूर देंगे। ठीक है सर।